अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। बहुत ही सिंपल है और इसे हम बेक करेंगे पतीली में। ये ड्राई टी केक है, देखिए कितना सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो चलें करते हैं रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बोल ले लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे मक्खन। मक्खन है बटर, वाइट अनसॉल्टेड बटर है ये। इसमें हम 125 ग्राम जितना ये बटर है, ये होममेड घर का बटर है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी चीनी। पहले थोड़ा सा इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे, बस हल्का सा इसको हमने जो है बीटर चला लेना है, ताकि जो है मक्खन हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि सर्दियाँ हैं, आपने हर चीज़ जो है रूम टेम्परेचर पर ही लेनी है। और चीनी ले लेंगे इसमें हम 125 ग्राम, नॉर्मल शुगर है ये। तो जब हम मक्खन के साथ चीनी को बीट करेंगे तो चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाती है और मक्खन भी जो है बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाता है। बस इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। मक्खन हमारा देखें फ्लफ़ी हो गया। अब इसमें हम दो अंडे डाल देंगे, एक एक करके अंडा ऐड करेंगे और बीटर चलाते जाएंगे। एक अंडा डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर दूसरा अंडा डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें दूसरा अंडा डाल देंगे। बहुत ही सिंपल केक की रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोनों एग इसमें डाल के हमने बीट कर लिए हैं और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून जितना वनीला एसेंस। अच्छा, अब इसमें हमने डालना है 110 ग्राम जितना मैदा, फ्लार 110 ग्राम है मैदा। और इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर और 2 टीस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे कोको पाउडर। पहले ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर हम अंडे वाले मिक्सचर में इसको हम ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, देखें 2 अंडों से केक बना है, 1 पाउंड का ये केक बन जाता है और बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। तो अब ये बस ड्राई इन्ग्रीडियंट डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे, बीटर से ही मिक्स कर लेंगे। तो बस मिक्स कर लेंगे और मोल्ड मैंने रेडी कर दिया है। पतीली प्री हीट होने के लिए मैंने रख दी थी, ताकि साथ ही हमारी पतीली भी प्री हीट हो जाए। तो अच्छे से हमारा केक का बैटर बन गया है, इसका टेक्सचर आप लोग देख लीजिए। और एक दफ़ा इसको हम स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, कोई भी ड्राई चीज़ जो है इसकी रह ना जाए। तो इसका टेक्सचर आप देख लीजिए केक का, केक के बैटर का।
बताएगा आपको मेरी केक की रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा।